हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध अब और भी बड़ा रूप ले लिया है। पहले नागोर्नो काराबाग एरिया पे बमबारी होता था, अब बड़े बड़े शहरों पे हमला किया जा रहा है। अगर इस युद्ध को इतना बड़ा करने में कोई एक कंट्री दोषी है तो वो है टर्की। नागोर्नो काराबाग को ले 1994 से छोटा मोटा युद्ध होते रहता है अजरबैजान और आर्मेनिया में, लेकिन टर्की ने ना सिर्फ इस युद्ध में अजरबैजान को मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, उसके साथ टर्की ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को यह दिखाना चाहा कि यह युद्ध मुसलमानों के खिलाफ है। यहां तक कि टर्की ने आतंकी तक उतार दिया इस युद्ध में सीरिया से लाके, और पाकिस्तानी सेना और वहां के आतंकी को भी उतरवा दिया। यह सब करके टर्की ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के अंदर आग भड़का दिया है। टर्की सीरिया और लीबिया में रशिया के अगेंस्ट काम करते ही रहता है, लेकिन टर्की ने अब हद कर दिया। उसने डायरेक्ट पुतिन के गर्दन दबाने की कोशिश किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि टर्की रशिया के प्रकोप से सीरिया और लीबिया में इसलिए बचा रहा क्योंकि वहां उसे नाटो कंट्री का समर्थन था, लेकिन आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में टर्की के बिहेवियर से नाटो कंट्री भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भले ही सोवियत यूनियन अब टूट के अलग हो गया हो, लेकिन रशिया ने आज तक ना यूएसए और चाइना तक को हावी होने दिया इस एरिया में, तो टर्की को क्या होने देगा? अगर टर्की अपनी मूर्खता बंद नहीं करता है तो, और रशिया से सीधे टक्कर लेना बंद नहीं करता है तो, उसके आने वाले टाइम पे भारी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, और फिर उसे दुनिया का कोई ताकत रशिया से नहीं बचा पाएगा। रशिया के पास ऐसा सेना और टेक्नोलॉजी है जो टर्की को पल भर में नक्शे से मिटा देगा और नाटो कंट्री देखता ही रह जाएगा। नाटो कंट्रीज ऐसे भी टर्की से चिढ़ा हुआ है, खास करके यूएसए। जब से उसने रशिया से S-400 का डील किया है, तब से यूएस के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने टर्की को नाटो कंट्री से बाहर निकालने पे खुल के बोलता है और उसके साथ टर्की पे बैन लगाने की भी मांग करता है। आप सोच रहे होंगे कि टर्की तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख देश है, वह दोस्त को भी दुश्मन बनाते जा रहा है। देखो, आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एर्दोगन बहुत बड़ा बेवकूफ लगेगा आपको, क्योंकि उसने अपने देश के इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया है। लेकिन जब किसी के मन में धर्म, देश और इंसानियत से बढ़कर हो जाए तो वो ऐसा ही करता है जो अभी एर्दोगन कर रहे हैं। एक्चुअली एर्दोगन अच्छे से समझता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में अभी बड़ा बिखराव हो चुका है, तो इसका फायदा वो उठाना चाहता है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ रशियन एकेडमी के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर डाइंकिन का कहना है, एर्दोगन वास्तव में पुतिन की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और वो ऐसा करके पुतिन को और ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। देखो, रशिया टर्की के खिलाफ डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जाने से इसलिए भी बच रहा है क्योंकि टर्की काफ़ी मात्रा में ऑयल और गैस खरीदता है रशिया से। लेकिन रशियन थिंक टैंक का मानना है कि टर्की रशिया से इकोनॉमिक रिलेशन भी खराब कर रहा है। रशिया का यह कहना है कि टर्की ने इस साल जुलाई में 28% कम रशियन गैस को इंपोर्ट किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर इसी मंथ में जितना इंपोर्ट किया था। वहीं उसने 22% ज़्यादा इंपोर्ट किया है अजरबैजान से। सिर्फ इतना ही नहीं, टर्की एक न्यू पाइपलाइन ओपन करने वाला है जो अजेरी गैस को अलाउ करेगा यूरोप तक ले जाने में, और रशिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी गैस प्रोम PJSC से सीधा टक्कर देगा मार्केट शेयर में। टर्की की आप हिमाकत तो देखो, 1 अक्टूबर को एर्दोगन ने अपने पार्लियामेंट में यह बोला कि वह कंडेम करता है पुतिन के अर्जेंट सीज फायर के कॉल को। एक्चुअली रशियन लीडर ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था एक मीटिंग में जिसमें रशिया, फ्रांस और यूएस ने को चेयर किया था। इस मीटिंग का नाम था OSCE मिंस्क ग्रुप, जिसका एम है कैसे शांतिपूर्ण तरीके से नागोर्नो काराबाग का समाधान निकाला जाए। खुद सोच लो, टर्की को एर्दोगन कैसे बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अगर अभी भी उसे बुद्धि नहीं आया तो टर्की एक वेल डेवलप्ड कंट्री से भिखारी देश बनने में उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।